अपन पहली बार गाड़ी स्टार्ट कर दे। किसने भारी नहीं रखो सिस्टम ही सब ऐसे हैं। अब जाए ऐसे दबाई है अब जो नहीं खोली है। अच्छा हल्को एक भारी भारी है रोडर वाली है ये गाड़ी जी बात। हाँ आज पापा को गाड़ी के कोई फंक्शंस वगैरह बताते हैं इमरजेंसी में मैं कभी हूँ नहीं हूँ तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। पापा उधर लॉक लगा लॉक लॉक। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि गाड़ी को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मेरे साथ में है पापा मैं इनको सारी चीज़ें बताऊँगा तो ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। इन्होंने भी अभी तक किसी भी गाड़ी को ऑपरेट नहीं किया है और अभी अपने साथ में महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन है। एक रिमोट है एक साधा जहाँ में बटन नहीं है एक चाबी में केवल ये है बस। एक रिमोट है जहाँ मुझे तीन बटन देंगे ताला छपो जहाँ से लॉक हो जाए गाड़ी जहाँ से अनलॉक हो जाए खुल जाइए और जो बीच वाला बटन है जैसे जैसे पार्किंग वगैरह में गाड़ी कई सारी जैसे 10-20 गाड़ी खड़ी है तो अपनी पहचान है जो वाला बटन जो है थोड़ी देर दबाए कर रखी है तो जाके लाइट जो है जो वाली ब्लिंक करे देखियो चली। एक सादा चाबी है केवल जहाँ में रिमोट नहीं है एक में रिमोट है जहाँ से अनलॉक करो अभी खुल गई। जाके साथ में एक ही चाबी रह करी है रिमोट वाली ये तो रख जाइए। बैठो अंदर चाबी लगाए हुए बाद सबसे पहले ध्यान देना है कि जे हैंड ब्रेक है। अच्छा गाड़ी को जे ऊपर होने चाहिए ऊपर करें ऊपर है पहले से ही लगो हुआ जे देखो जाके लेवल में जो ऊपर है ठीक है जा नीचे करवे के लिए जाए बटन को दबाए के नीचे कर देना तब जो नीचे हो जे ऊपर होने चाहिए स्टार्ट करवे से पहले ठीक है। और जे रो गियर जाको गियर जे पी पे होने चाहिए पी पे। हाँ अच्छा हाँ पी को मतलब है पार्किंग गाड़ी खड़ी गाड़ी लॉक है ठीक है। अब जी वालो ब्रेक है जी हाँ जी वालो ब्रेक है वो वालो एक्सीलेटर है नहीं नहीं जी वालो पैर यहाँ रही है यहाँ पे रखो जी वालो ब्रेक है अब वो वालो एक्सीलेटर है। अच्छा हाँ जय पैर चलिए केवल जी वाली गाड़ी में जहाँ को कोई काम नहीं जहाँ में क्लच नहीं है क्लच नहीं है जी ऑटोमेटिक है और जे गाड़ी की जो अब गाड़ी आ रही है जो ऑटोमेटिक में आ रही है जो पावर वाली गाड़ी है वे केवल एसआर में चलती हैं एकदम धमक के ब्रेक नहीं मैकेनिकल ब्रेक नहीं है सब पावर ब्रेक है हल्के से प्रेस करिए और काम करिए वो ठीक है। तो अब जैसे अब चाबी एक बार घुमाओ भाई एक बार और घुमाओ तो दो बार घूमी वैसी जाको मीटर जी चालू हुई जे अच्छा। जे डिस्प्ले चालू हुई जे ठीक है तो अभी स्टार्ट नहीं भाई अबे गाड़ी स्टार्ट नहीं भाई जे देखो पी दिखाई रही है भाई जे हॉर्न बीच में जो ठीक है अब स्टार्ट करवे के लिए नहीं हल्को से ब्रेक ले लो इमरजेंसी के लिए जी हाँ थोड़ा दाबो अब वो चाबी को आगे नहीं कहे बस हाँ नहीं कही है बस इतना तो ही चाबी को आगे घुमाओ फिर आगे बढ़ाओ। हाँ लेकिन ध्यान देना है पहले ही बता रहे हैंड ब्रेक लगो होने चाहिए जी पार्किंग पे लगो होने चाहिए आज बढ़िया नहीं हाँ गाड़ी नहीं बढ़िया हाँ पहली बार गाड़ी स्टार्ट कर दी अब बता तो रहे पावर ब्रेक है सब जहाँ में गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही जाके ब्रेक काम करी है। अच्छा छोड़ दे छोड़ दो हाँ कोई दिक्कत नहीं हैंड ब्रेक लगो ना हाँ अब जी काम करी है। अच्छा। पहले काम नहीं करते जी अब अगर करते तो अब काम करिए जी और जी काम तभी करिए ब्रेक लेके ठीक है तो गाड़ी जो है ऐसे स्टार्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं बोलो एक्सीलेटर हल्को दबाओ हल्को दबाओ
में तो रॉकेट हो जाए गाड़ी। थोड़े जगह थोड़े हल्के से लेने। पहली बार गाड़ी स्टार्ट करो कैसे लगे? जैसे पहले और पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे सीधे अपनी गाड़ी। अच्छा अभी 88 किलोमीटर यहाँ लिखे जी जाको ऑडोमीटर है कि 88 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जे राइट वाला जो देखो आपको वाला दरवाजा खुलो जो गाड़ी छपी है उसको दरवाजा खुलो जब जैसे दिखाए रहो जित तो जहाँ में डीजल डलो है वहाँ में 693 किलोमीटर गाड़ी चली जाए जो लिखी रेंज लिखी 693 किलोमीटर गाड़ी है चली जाए। अच्छा हाँ 8.9 को एवरेज दे रही है वह एवरेज जब लिखे हाँ सब देख सकते जब पूरी गाड़ी जो है फोन से कनेक्ट हो गई है कहीं जाने हुए मैप लगाए थे ऑटोमेटिक सब कनेक्ट है। गाड़ी जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई है वैसे ही मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आए जाए मैसेज आए जाए कि गाड़ी स्टार्ट हुई थी और गाड़ी जैसी बंद करते वैसे मैसेज आए कि गाड़ी बंद हुई थी। अब जी जाके छत खुल जाते जीरो बटन दबाए ऊपर करो ऊपर ना ना ऐसे एक बार दबाए दे एक बार और दबा छोड़ दे दब नहीं नहीं और दबा अब छोड़ दे जीजा की छत खुल गई है बढ़िया जा नीचे करो यहाँ से जा हाथ से बंद करने पड़ेगा ऑटोमेटिक खुल जाए लेकिन बंद हाथ से करने पड़ेगा जीजा की लाइटें बीच वाली तो दरवाजे खुलवे पे चली जाए जिस दरवाजे जैसे ही खोलियो वैसे ही चल जाइए दरवाजे बंद करे ऑटोमेटिक बंद हो जाए ये ऑटो वाला सिस्टम है जी। इधर की दबाओ इधर की जल गई। अच्छा बंद कर दे कैसे बंद हो गए थे हाँ कैसे बंद हो गई थी जहाँ मैं गाड़ी पीछे देखी जाती पीछे वाली शीशा पे गाड़ी पीछे आ रही नज़र यहाँ रखने पीछे घुमा के नहीं देखने जहाँ पे देखने और बिन में देखने इन शीशा में जहाँ पे ऊपर बैठ के कैसा लग रहा हो बोनट दिखाई दे रहा हो पूरा बोनट नहीं दिखाई दे रहा जी लाइट है जी वाली लाइट जलाई बेगले हाँ जी आगे कर एक जी वाली जी आगे करो एक ऐसे एक और आगे करो अब हेडलाइट जल गई हाँ यार कम करते हो हाँ और कम करते हो तब बंद हो जाएगी कौन सी वो वाली अभी काम की नहीं है वो वाली जब फॉग लाइट लग जाए ना आगे अच्छा हाँ बाकी सिस्टम ज्यादा लाइट नहीं जे तो वाइपर के लिए मत चला जब वाइपर चले जाके ले आगे और पीछे को जी वाइपर अच्छा हमारे अब धूल मट्टी जमा है ना तो वाइपर रगड़ दी अब यार ये सिस्टम है और जहाँ से नीचे करियो नीचे ऐसे करो इंडिकेटर इतना को चालू होगा सीधो वाला ऊपर करिए तो ऊपर को चालू होगा अच्छा इधर जालेगा जालेगा ये सिस्टम बटन जे तो जे वाले फोन से कनेक्ट करे वाले बटन है कहोगे कॉल नहीं जे वाले कहोगे कॉल ऑल आए तो अच्छा ठीक है जहाँ में जे मीटर देख वे गए और चीजें मीटर में और चीजें देख वे गए और जहाँ में एक जिवालो बटन है जैसे हम 90 की स्पीड पे चल रहे गाड़ी पे ठीक है तो 90 पे जाए पे लॉक कर दी गाड़ी अच्छा। अब एक्सलेटर से पैर हटा लो 90 पे चलते रहे गाड़ी हाँ फिर 90 से 91 जो है एक्सलेटर से नहीं यहीं से बढ़ाया जाएगा बटन से ही 91 कर लो 89 कर लो 87 कर लो हाँ ऊपर नीचे जो प्लस माइनस दाई यहाँ से जो पंखा चलाए हुए निकले जाम पानी की बोतल रख लियो यहाँ जे फोन रख बिक लें अब जामे जे पीपे है पीपे पार्किंग पे है गाड़ी ठीक है और जे आर जो है आर को मतलब तब चालू हुई आगे आर पे रिवर्स पीछे
और जय जैसे लगाइए ऐसे करके ब्रेक लियो, ब्रेक ले रही हो जो देखो, जैसे पीछे लगाओ वैसे पीछे कैमरा चालू हुए, ठीक है। और जे है न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल हो गई, ठीक है। ब्रेक ले रही हो जे, जहाँ आएगी ड्राइव में गाड़ी चलवे के लिए तैयार हो गई, ठीक है। और जब मैनुअल चला सकते, ऑटोमेटिक गाड़ी है जहाँ गियर डाल के हम चला सकते, जैसे जे देखो डी लिखी है, ठीक है। ब्रेक दबाए रही हो, ठीक है। अब जाए जो है हमने अपनी तरफ कर लो, जो देखो एक लिख के आएगी पहले गियर में गाड़ी, अब जी ऑटोमेटिक नहीं चली है, अब गियर को जे है आगे कर रहा है, देखो दो हो गई। अच्छा, हाँ, अब जो पीछे कर रहा है जो देखियो, पीछे करो फिर एक में आएगी, अब जो ऑटोमेटिक नहीं रही, अब जी हाथ वाली होगी गाड़ी। अच्छा। लेकिन क्लच नहीं है, चल तो मैं कर लियो गियर डाल लियो। अब जे ऐसा करके ड्राइव में आएगी ऑटोमेटिक, अब जो गाड़ी पार्किंग पे लगा देगी, अब छोड़ दो पापा तो पूरा फोन कहीं नहीं जब सिस्टम समझ में बड़ी टाइम लगती है ये खुल जाता है, खजू अपने सामान रख दो जहाँ में जे खुल जाते, जे देखो जामे फ्रिज लगो जामे जाम फ्रिज है। अच्छा, कूल बॉक्स है जामे, कछु बोतल रख दे गर्मी में तो ठंडी बनी रही है, यहाँ इतनी जल्दी ठंडी नहीं हुई जामे हुई है, कूल वाली है नहीं बात तरफ नहीं होता है, मैं छेड़ियो और गार्डन में कहा है जे आगे केवल एसी दी जाता है, ठीक है। और जाको जो सबसे छोटे वालों जो मॉडल आता है वहां में केवल आगे एसी है, और जो वाले मॉडल में पीछे हुए एसी है जामे, मतलब पंखा वहां में लगे है लेकिन एसी की जो यूनिट होता है वो नहीं है, जहाँ में एसी की यूनिट पीछे दी गई है पीछे वाले लोगों के लिए। जो सीट कैसी लग रही, कंफर्टेबल है कि नहीं? एक्सीलेटर ले हल्को सो फिर बंद करें, हाँ और लो ना हल्को सो निकल रहो ना एक देर, एक 30 सेकंड बस 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 बस, ज्यादा नहीं। ये दस सुई वाले मीटर है दोनों साइड में और बीच में डिस्प्ले है, इधर जो फ्यूल दिखा रहो कितनों है, अब बंद करो अपनी तरफ करो और बंद करो, एक बार अपने और तरफ घुमाओ, एक बार और करो, होएगी बस दो ही बार, देखो गुड बाय लिख के आएगी, अब निकाल लो चाबी। हल्को से पहले एक बार और चालू करो, बस पूरे सुइया जे घूम जाए, बाकी बाद अंदर मोटर चालू होता है फिर वो डीजल पहुंचाता है इंजन तक, बाग उतने टाइम तक रुकने आप कर लियो, मतलब चाबी लौटे के वापस हो जाते, हाँ चाबी लौटे के वापस स्टार्ट हो गए बात, हाँ। इन पे विशेष ध्यान देने, हैंड ब्रेक लगो होने चाहिए और जी आगे होने चाहिए, तब चालू करना। वैसे जहाँ तक है अगर जे इधर लगी हुई है तो गाड़ी का स्टार्ट ही ना हो, गाड़ी स्टार्ट तभी हुई जो सबसे आगे हुई है पी पे हुई है, अगर जैसे इनकेस अगर जे आर पे या फिर एन पे या फिर डी पे लगी हुई है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, ये पी पे ही स्टार्ट हुई है, जे लगो है चाहे ना लगो है, लेकिन जे पी पे हुए तभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन जय लगाए वो बहुत जरूरी है, शुरुआत में, बाद में तो समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता फिर तो। एक्सीलेटर दे के बंद करने है, हाँ थोड़ी तो ब्रेक से पैर हटा लो, ब्रेक से कोई दिक्कत, अब डाउन हो जान दे, अब कर दे, बड़ी गाड़ी ऐसे ही होती है ये, अब चाबी निकाल लो, गुड बाय लिख के आएगी जो देखो, अब चाबी निकाल लो, ये सिस्टम है। एक चीज और बताया आगे, इधर आओ, गाड़ी अब खुली हुई है, ठीक है, गाड़ी जब अनलॉक हुई है डीजल के लिए जाए खोले जो खुली है। अच्छा, हाँ, जहाँ में डीजल पड़ी है यहाँ पे और जहाँ में यूरिया डरी है
जे हर 10,000 किलोमीटर पे एक बाल्टी पड़ा था जहाँ 20 लीटर की। अरे हाँ, प्रदूषण कम करे वेकले हर 10,000 किलोमीटर पे। हाँ, जहाँ में डीजल पड़ी है जो है कि बंद। ठीक है, इतनी पीछे खोल दी, बंद करो, अब लॉक करो गाड़ी। चाहते हो ये? हाँ, ऊपर वाले से। अब गाड़ी लॉक होएगी। ठीक है, अब जाए ऐसे दबाई है, अब जो नहीं खोले है। अच्छा हाँ। देखो गाड़ी लॉक करके डीजल डराए सुनी डराए पे हो जी बात। हाँ। अब सब दरवाजे चेक कर लो एक बार नए नए में, फिर तो अंदाज हो जे। अब फिर अनलॉक करो, अनलॉक करो, अनलॉक होएगी। जैसे रिमोट जाको काम नहीं कर रहो या फिर रिमोट वाली चाबी नहीं मिल रही, तो अब जा से कैसे खोलने वो बताएं। जो चाबी निकालो जो वाली, अब जा में लगाओ यहाँ। अबे तो जो खुलो है, अबे खुलो, अबे लॉक कर दो पहले। जाते ऊपर वाले से। ठीक है, लॉक होएगी। अब चाबी फंसाओ जाम में। ठीक है, अब सीधे हाथ की तरफ घुमाइयो, अब निकाल लियो। अरे नहीं नहीं, निकाल लियो चाबी, बस होएगी। हाँ, एक बार होएगी, निकाल लियो, खोलो। आवाज नहीं दी है। अब डेढ़े हाथ की तरफ घुमाओ। अब मैं पापा को दिखाता हूँ इसका हुड ओपन करके कहाँ से होगा। ये है बटन, ये। हाँ, अंदर फंसाओ उंगली, उंगली अंदर फंसाओ। नहीं नहीं, इसके नीचे नीचे। हाँ, खोलो और करो, और करो, थोड़ी ताकत से करो। इतनी हो रही बात नहीं करो, होइए। हाँ, बस हो गई, छोड़ दो। अब जैसी जे खोली वैसी जे देखो लाइटें चालू हो गई, इंडिकेटर। ठीक है, इधर आओ, चाबी अंदर लगा के नहीं रखने जी, लाइटें चालू हो गई जी वाली, तो देखो। ठीक है, अब जय खोलो, जय में उंगली फंसाओ ऐसा। देखो हम बताएं जी, है जी, देखो दिख रही। अब एक हाथ से जी इधर करो, एक हाथ से जी ऊपर करो। अब जब दोनों हाथ से जा पकड़ ले, हल्को एक भारी भारी है जी, ना जाओ डंडा। ठीक है, और करो जी, लेकिन तीर को निशान लगो जी। हाँ हाँ, जहाँ फंसाए थे वैसे। ठीक, अब ऐसे करते जी, ना जी जामे फंस जाते जी लॉक में। ठीक है, जब लॉक ऐसे करने पड़ा था तब जी जामे से निकली है जी, कुंडा जो है जामे फंस जाते है। ऐसे करियो नहीं, हल्को से मतलब थोड़ा एडजस्ट करने पड़े अपने हिसाब से, तब जी को निकल जाए जी। बात है नहीं, अबे जब जा रखियो हाँ, तब इधर करने पड़े। नहीं नहीं, तब ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जामे लग के अपने आप तय हो जाए और फंस जाइए। और जी रखी जाएगी बैटरी जय, जरो इंजन पूरो, कितना भारी इंजन रखो, 2200 सीसी। देखो जहाँ में वो पड़ा था बाइपर को पानी। अच्छा, अब हम जब बंद करें यहाँ पे जो है इन्हें एलईडी देने चाहिए। आते हैं एलईडी ऊपर वाले मॉडल में आते हैं जो पूरी खुल गए तब जहाँ में जो लाइटें पड़ी हैं। ठीक है, अब बंद करके बताएं हम आपको। इधर देखो, जय ऊपर उचकाओ और छोड़ो जी, निकली आई जी, जाम में फंसी है जाम में। ठीक है, ऐसे जाई पकड़ के निकालने और जाई पकड़ जाई के लिए दई गई, फंस गई। अब जे ये देखो यहाँ जी रबड़ लगी है, जहाँ से पानी आनी इंजन में अंदर ना जाए जी, यहाँ रबड़ आ जाते जी लाइन पर पूरी में लगी चारों तरफ जी, देखो पूरी प्रोटेक्शन जी लगी है।
जहाँ से इंजन की आवाज जो है वहां भीतर ना जाए। छोड़ो आप, अब जो इतनी ऊंचाई पे लेके आने भाई छोड़ दो आप, इतनी ऊंचाई पे लेके आने अब जो बंद होगी, और जो बंद होगी के बाद जो देखो लाइट अभी जल नहीं, अब बंद होगी लाइट। अरे हाँ तभी लॉक हो जी, मान लो समझ गए। अब जो देखो जो रबड़ जो है जहाँ से दब गई एकदम, अब लॉक है जी, अब लॉक नहीं थी अभी तक। अब है कहाँ मतलब, अब तो बंद करिए सब जगह ऑटोमेटिक है ला। अब आप जो बताओ है? गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी बहुत बढ़िया लगी। और पहले अनुभव आपको कैसे रहो है? पहले अनुभव कैसे रहो? बहुत अच्छा। अब जैसे अकेले अगर चलाने पड़े जो सब ऑपरेशन जो हमने बताए हैं कर लियो? अबे मुश्किल पा रही है दिमाग लगाने पा रही है। अब वो आइए तो भाई जैसे हम चलाएं तो आप बगल में बैठो और चीजें देखो तभी समझ में आइए। अब जे तो जे पता चलेगी कि हाँ कहाँ चीज कहाँ है। देखो इंजन कवर है, इंजन बंद है। हाँ पीछे जैसे ट्रक में रोडर डलो होते हैं पैसे लगो वो देखो नीचे। अच्छा रोडर रहेगा में? हाँ रोडर वाली है ये गाड़ी जी बात। हाँ तभी जब ताकत ज्यादा है ट्रक खींच ले जा सब सो ये हिसाब किताब। ट्रैक्टर में पीछे पहियों में बहुत ताकत यही वजह से। जो एक्सयूवी 700 जो है वहाँ आगे वाले पहियों में ताकत है। अच्छा टाटा की सफारी आते हैं हैरियर जो आते हैं उनके आगे पहियों में ताकत है, जहाँ में पीछे पहियों में ताकत है जहाँ में थार में। अच्छा फिर जाके बाद सीधे मिलिए फॉर्च्यूनर में, जहाँ वजह से जो बिग डैडी ऑफ एसयूवी है इतनी कीमत में जाके मुकाबले कोई गाड़ी नहीं है, जहाँ वजह से लई हमने ये मतलब महिंद्रा के अलावा और कोई नहीं देता। कहने का मतलब ये है अब बहू अपनी अपनी चॉइस है, फीचर्स वो इतने हैं दिखे हुए मुँह लंबी चौड़ी है आती सी। भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, फटाफट से लाइक कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि ये वीडियो जो है वाकई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं चैनल पर आती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।